आप देख रहे हैं मेरा चैनल चल रहा है, ठीक है। आज मैंने क्या आपके लिए मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। देखिए मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी पिछले वीडियो में मैं जो है आपके लिए डाल्टन वाले लेके आया था। अब मॉडर्न थ्योरी में क्या हुआ, कुछ उन्हीं के संशोधित करके नए अलग अलग एक्सपेरिमेंट में क्रम से लिए गए, इसलिए इसका एग्जैक्ट सम तो बताना थोड़ा कठिन है। वही 1800 से आप बोल सकते हो, धीरे धीरे संशोधित खुद डाल्टन ने और अन्य लोगों ने क्रम से करते करते आइंस्टीन तक अभी तक उन्हीं जो 100 सालों में काफी हो चुका। तो मॉडर्न में इसमें जो बेसिक पॉइंट निकल गया है, अभी भी पर्सनल अलग अलग लोगों में अलग अलग है, लेकिन एक कंक्लूजन अगर निकल गया है तो आपको वो वाले में पॉइंट बताऊँ। नंबर एक, फर्स्ट जो है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्या माना गया कि एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी द इंडिविजुअल। बहुत लंबे समय तक की बात नहीं मानी गई कि जो है कि या जो एटम है वो बहुत दिनों तक रह सकता है, वो एटम में चेंजमेंट भी हो सकता है। ये बात कब लागू हो सकती है, जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनमें देखिए खुद जो है बदल जाते हैं एटम, एक एटम से दूसरे एटम में, ठीक है। तो ये आगे मॉडर्न थ्योरी में देखते हुए बताया गया। फिर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स मे नॉट बी सिमिलर, जो एटम ऑफ द सेम एलिमेंट एक ही प्रकार का मेटेरियल, मानी लोहा लोहा ही है, क्लोरीन क्लोरीन ही है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही है, लेकिन उसमें भी एलिमेंट्स जो एटम्स हैं वो सेम नहीं भी हो सकते हैं। क्योंकि ये बात कहाँ से आ गई, आपने आइसोटोप्स और आइसोबार्स पढ़े हुए हैं ना, समस्थानिक संभारित, वहां से बात आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स मे हैव सिमिलर वन और द मोर प्रॉपर्टीज, जो एटम है अलग अलग पदार्थों के तो वो किसी एक खास प्रॉपर्टी के लिए सेम भी हो सकते हैं। ये एक नया पॉइंट निकल गया है कि जैसे मेटल मेटल है तो साइनिंग तो अलग अलग एक जैसी साइनिंग हो सकती है, ठीक है। तो यह एक प्रॉपर्टी या कई सारी प्रॉपर्टी, हार्डनेस है, तमाम सारे उसमें मिक्स हो सकते हैं। फोर्थ, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ये एज इट इज वही है, ठीक है। इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, ये कभी भी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें स्मॉलेस्ट यूनिट के तरीके ही पार्ट आता है। द रेशियो इन विच द डिफरेंट एटम्स कंबाइन में बी फिक्स्ड एंड इंटीग्रल बट मे नॉट ऑलवेज बी सिंपल, ये बात सही है कि डिफरेंट एटम्स कंबाइंड होते हैं डिफरेंट रेशियोज में और एटम्स कंपाउंड एटम्स या मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं, लेकिन ये हरदम इंटीजर हो ये जरूरी नहीं, कभी कभी ये एक लार्ज नंबर में या बड़े नंबर में भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एटम, जैसे एग्जांपल में आप सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट्स के बड़े बड़े फार्मूले देखते हो, विटामिन्स के फार्मूले देखते हो, इतने बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। वो इसके एग्जांपल होते हैं। एटम ऑफ वन एलिमेंट में बी चेंज इनटू एटम ऑफ अदर एलिमेंट, एटम ऑफ वन एलिमेंट मे बी चेंज रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, ये भी बात हुई कि एक एटम दूसरे एटम में चेंज हो सकता है, ठीक है ना। जैसे आप यूरेनियम का देखा होगा, प्रोटॉन बदल जाता है, रेडियम में बदल जाता है, इस तरीके से चेंज हो जाता है, पोलोनियम में चेंज हो जाता है ना, गोल्ड मरकरी गोल्ड में एक्सचेंज किए जा सकते हैं जबरदस्ती आर्टिफिशियल, ये रेडियो एक्टिव नहीं है लेकिन किए जा सकते हैं, मरकरी का यूज करके न्यूक्लियर सिलेक्शन करके हम लोग गोल्ड बना सकते हैं। द मास ऑफ एटम कैन बी चेंज इनटू एनर्जी, द मास ऑफ एटम कैन बी चेंज इनटू एनर्जी, ये आइंस्टीन ने जब E=mc² का इक्वेशन दे दिया जो है 1905 में, तो उस समय जो है ये बात क्लियर हो गई थी कि मास जो है उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आप कोई भी एटम है या एटम का मास है तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं एनर्जी में, ये न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है, जब कंबाइंड होते हैं आप ये देखते हैं परमाणु बम है ना, न्यूक्लियर फिजन वगैरह, तो ये सब उसी से रिलेटेड है। वहाँ एटम्स नहीं रिएक्शन करते, एटम के अंदर जो व्यवस्था है वो कंबाइंड होती है, तो उसमें डिस्ट्रॉय होता है बहुत सारी एनर्जी, ढेर सारी निकलती है, ये सारा इसमें होता है। ये थे कुछ नए मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट कि एटम होता क्या, ठीक है। एटॉमिक भाई पूरी केमिस्ट्री एटम के लिए तो डिपेंड है, तो पहले ये तो डिफाइन होना चाहिए कि एटम क्या है, तो ये उसके लिए है, ठीक। अब आप इस वीडियो को एक दो बार देखिए, इसको फेयर कॉपी पे नोट कीजिए, हिंदी में मैंने बोला है बताया उसको सुनिए दो बार और उसको लिखिए, बढ़िया से फेयर कॉपी बनाइए, पूरे लॉकडाउन को छुट्टी का भरपूर फायदा उठाइए। मैं वीडियो कैसे बना रहा हूँ ये किसी एक वीडियो में बताऊँगा,